हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं शुभम तिवारी आज आपके लिए रीजनिंग सेट 11 का डिस्कशन लेकर आया हूं। तो चलिए, समय के महत्व को समझते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। एसएससी सीएचएसएल का ये सवाल है और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपको सीरीज का क्वेश्चन है आपका। और सीरीज का क्वेश्चन का आप जानते हैं कोई स्ट्रिक्स तो होता नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा सवाल बनाइएगा उतना, देखिए कहा जाता है ये सब क्वेश्चन में, ये सब मेंटल एबिलिटी का सवाल होता है। द मोर टाइम यू विल गिव द लेस टाइम इट विल टेक। इस समय जितना ज्यादा समय आप अभी देंगे उतना कम समय ये आपसे परीक्षा में लेगा। जैसे यहां पर देखो क्या किया गया है, तो यहां से आप देख रहे होंगे इस जगह से कि 2 7 + 12 19 होता है। फिर आप देखिएगा तो 19 + 6, 19 + 6 कितना हो गया आपको, 25 हो गया। फिर आप देखोगे यहां पे 25 + 3, 25 + 3 28 हो गया। अब यहां पे +12 किया था फिर +6 किए, तो भाई +3 किया है तो अगले बार में क्या करेंगे, 28 + 3 का आधा कर देंगे। 12 का हाफ किया था तो 6 आया था, 3 का हाफ करेंगे सॉरी 1.5 आएगा। 28 में 1.5 को जोड़ दोगे तो 29.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये भी है सीरीज का ही, श्रृंखला का ही ये भी सवाल दिया गया है आपको, KPLO। तो नेक्स्ट कौन सा होगा वो हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अगला कौन सा होगा सो बताइए। अब इसके लिए देखिए क्या किया गया है। तो सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल पोजीशन आपको याद होना चाहिए। K का पोजीशन कितना होता है, 11 होता है। P का कितना होता है, 16। L का कितना होता है, 12। O का कितना होता है, 15। और नेक्स्ट क्या है बताना है हमको। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले यहां देखो तो +5 हो गया है, फिर यहां देखो तो क्या हो गया है, -4 हो गया है, कॉमा कॉमा फिर +3, 5 4 3 तो -2। पहले 5 4 3 2 का ही सीरीज है, 5 4 3 2 1, लेकिन प्लस माइनस का है आपका, तो प्लस माइनस तो 15 - 2 = 13, और 13 पे क्या होता है m, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। बताना है कि इन 5 विकल्पों में से ऑड मैन आउट एक विलुप्त मतलब गलत पदों का ज्ञात करें। ऑड मैन आउट एक आता है, विषम पदों का ज्ञात कीजिए। तो यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 से अलग है, क्या है। तो देखिए यहां पे क्या है, एम का पोजीशन 13 होता है, पी का पोजीशन 16, टी का पोजीशन 20 और डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है। अब क्या किया गया, 10 + 3 है, फिर देखो 13 + 3 है 16, फिर यहां देखो क्या है 20 + 3, तो यहां पे 23 होना चाहिए था, सॉरी प्लीज, यहां पे क्या कितना होना चाहिए था आपका। तो यहां पे हम लोगों ने देखा 13 में 3 जोड़ दिया 16, 10 में 3 जोड़ दिया 13, 15 में 3 जोड़ने से यहां पे क्या होना चाहिए था, टी नहीं होकर के आर होना चाहिए था, क्योंकि यहां भी देखो 20 में 3 ऐड करोगे तो 23 आएगा। मतलब बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं सी नंबर को छोड़ करके, उसमें दिया गया नंबर और अल्फाबेट के पोजिशन का डिफरेंस 3 आ रहा है, बट ये वाला थोड़ा अलग है, यहां पे 3 का डिफरेंस नहीं हो करके 5 का डिफरेंस हो रहा है। दैट्स व्हाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बाकी विकल्पों से भिन्न है, बाकी विकल्पों से अलग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको कि निम्नलिखित शब्दों के बीच शब्दकोश के विपरीत क्रम के अनुसार अंतिम शब्द कौन सा होगा। ये शब्दकोश के अनुसार नहीं अरेंज करना है, शब्दकोश के रिवर्स में अरेंज करना है। तो रिवर्स में अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लीजिए। तो यहां पे देखिए KA 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 और KA तो सब में कॉमन है, उसके बाद क्या आता है, बी है बी है, यहां पे सी है और सी है, मतलब ये दोनों तो छोटा हो गया, ये दोनों बड़ा होगा, इसमें फिर सी सी कॉमन है, एच कॉमन है, फिर क्या आता ए और आई, तो आई बड़ा हो गया। तो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, फिर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्या है, अब इन दोनों में देखना है कि कौन थर्ड पे आएगा कौन फोर्थ पे आएगा। तो KABA KBA LI LI SS यहां तक तो कॉमन ही है,
यहां टी है और यहां एम है, तो भाई यहां एक दो थर्ड कौन मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा, चूंकि टी बड़ा होता है और छोटा क्या होता है एम, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा आपको रिवर्स ऑर्डर में, तो सबसे लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में चार नंबर जो ऑप्शन है आपका विकल्प संख्या जो चार है वही सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए प्रश्न संख्या पांच। प्रश्न संख्या पांच जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है आपको पांच नंबर। देखिए पांच नंबर में क्या बोला है कि किसी खास भाषा में इंपॉर्टेंट को यह लिखा गया है तो पैट्रियट को क्या लिखा जाएगा। तो अब समझिए ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग है, इसमें आपको क्या है कि जिस लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अंक आता है, जैसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आपको यहां पे, टी ए एन टी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और इंपॉर्टेंट के लिए कोड कितना लिया गया है आपको, तो इंपॉर्टेंट के लिए कोड लिया गया है 7543 7543 18628 18628। मींस आई का कोड 7, एम का 5, पी का 4, ओ का 3, आर का 1, टी का, मतलब जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो जिसके सामने है वो इसका कोड हो जाएगा, जो जिसके सामने है वह उसका कोड हो जाएगा। तो हमसे कोड पूछा जा रहा है किसका, तो हमसे कोड पूछा जा रहा है पी ए टी आर आई ओ टी। बस कॉमनली क्या करना है, कुछ सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, पी के लिए क्या लेना है 4, पी के लिए कितना लेना है 4, ए के लिए कितना लेना है 6, फिर टी के लिए 8, फिर आप देख लीजिए 1738। अब यहां पे 4681738 किसमें है, ऑप्शन नंबर चार में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांच के बाद है प्रश्न संख्या छह। प्रश्न संख्या छह जो है ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा वेन डायग्राम, आप साइलो भी पढ़ते हैं वेन डायग्राम से एक रूल के अनुसार। यहां पे भी एक वेन डायग्राम दिया गया है कि ये जो चार पिक्चर दिए गए हैं इसमें से कौन सा डायग्राम जो है वो केल्विन सेल्सियस और टेम्परेचर को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए ना यहां पे ये डायग्राम यहां पे तीनों अलग अलग दे दिया, ऐसा भी नहीं है बाकी कोई डायग्राम देखो तो ये दो नंबर डायग्राम को देखो, टेम्परेचर में ही केल्विन और सेल्सियस दोनों अलग अलग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, वेन डायग्राम से एक सवाल सीएचएसएल में रहेगा आपको, आज लास्ट डेट है फॉर्म डालने का। यहां पे हमसे क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए अभिव्यक्ति में विकल्पों में दिए गए ऑपरेटरों में से डॉलर उसी क्रम में को कैसे प्रतिस्थापित करना चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन डाला जाए जिससे ये जो इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन सही हो जाए। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन डालिएगा जिससे इक्वेशन सही हो जाए आपका, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास 15 है, फिर एक खाली जगह है, फिर 4 है, फिर 3 है, और फिर क्या है आपका 3 है। तो अब यहां पर देखो यहां पे माइनस माइनस है, तो 15 में से 4 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 और बराबर दे दोगे तो 8 बराबर 3 तो होगा नहीं, हटाइए। प्लस इक्वल्स टू प्लस, 15 और 4 19 और 3 और 3 6 और बीच में बराबर डाल देंगे तो 19 बराबर 6 तो होगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। फिर देखो प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो 15 और 4 19 में से 3 जाएगा तो 16 बराबर 3 होगा नहीं, तो अब लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है हमारे पास, चार नंबर ऑप्शन यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्या है, तो पहले इक्वल्स टू है, फिर इंटू है, और फिर प्लस है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड मास में पहले इंटू का काम करेंगे, 4 3 12 प्लस 3 15, तो 15 इक्वल्स टू 15 आ गया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या का चयन करें। अब ये चीज आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या हो रहा है आपको, सो देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है आपको, तो यहाँ पे किया क्या गया है, ये सब क्वेश्चन बनाते होंगे आप लोग एनालॉजी में। यहाँ पे क्या हुआ है, तो इन दोनों को पहले देखो, इन दोनों में क्या किया गया है, तो 1 प्लस 5
इंटू सेवन, तो 42 आ जाएगा, इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ये वाला निकाल लीजिए, तो 6 प्लस 3 इंटू सेवन, तो भाई 6 और 3 9 इंटू सेवन 63, और 63 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9 देखिए अगला क्या है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है आपको, ये आपका क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस का सवाल है। डायरेक्शन सेंस के सवालों में देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, कि एक व्यक्ति बिंदु पी से दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 मीटर चलने के बाद, तो बिंदु पी से यहां पे पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट पी है, यहां से एक आदमी दक्षिण दिशा में चलता है और 5 मीटर चलता है, फिर क्या करता है वो, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, साउथ का बाईं जाएंगे तो अपने राइट साइड में जाएंगे हम लोग, और कितना मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है। देखो जब भी डायरेक्शन का सवाल आप बनाए तो डायग्राम को सही से बनाइएगा। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि एक अलग से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक आदमी ईस्ट में चला 10 मीटर्स और फिर साउथ में चला वो 5 मीटर्स, तो वो डायग्राम ऐसा बना देते हैं, तो ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा 10 से छोटा ही 5 होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको मेजर करो स्केल लेकर के कि इसका इतना है तो इसका आधा, नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए कि बड़ा कौन है, 10 है कि 5 है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है। 5 मीटर साउथ में गया, फिर बाई और मुड़ा 4 मीटर चला, वहां से फिर दाई ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यहां से वो राइट टर्न लिया और कितना मीटर चला, तो 3 मीटर चला, फिर वो दाई ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, साउथ की ओर जा रहा है, राइट टर्न लेगा मतलब अब वेस्ट की तरफ जाएगा और 7 मीटर जाएगा, तो 4 से बड़ा 7 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 7 मीटर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है और बिंदु क्यू पे रुक जाता है, यहां से वो लेफ्ट टर्न लिया, 3 मीटर चला और क्यू पे रुक गया। क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु पी के संबंध में बिंदु क्यू का दिशा ज्ञात करें, मतलब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में हम लोग को देखना है, मतलब पी से देखना है कि क्यू किधर है, तो पी से क्यू किधर, यहां ऐसे देखिए पी से क्यू किधर है, तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट में है, और साउथ वेस्ट के लिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जिनको भी क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आए, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, आप उसको दोबारा देखिए, डबल उसको बैक करके देखिए, चीजों को समझिए। जो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं आप, या हमारे ब्रांच आकर के, अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आप ब्रांच आकर के आप विजिट कर सकते हैं आप, और वहां पे भी आकर के आप पूछ सकते हैं सवाल। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइंडिंग आउट मिसिंग वन का सवाल दिया गया है आपको, तो देखिए तो क्या किया गया है यहाँ पे। तो ऐसे सवालों में दो काम हो सकता है, या तो रो वन रो टू से, सॉरी एफ आई से सी आया होगा, या एफ ओ से यू हुआ होगा, मतलब या तो ये हॉरिजॉन्टली सोचा जा सकता है या वर्टिकली सोचा जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आसान सवाल है, एफ का पोजीशन 6 होता है, ओ का 15 और यू का 21, या आई का पोजीशन 9, एन का 14, डब्ल्यू का 23, सी का 3, के का 11, और नेक्स्ट पूछ रहा है कौन होगा। जब कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले, क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड बहुत जगह क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट एक खुद का चैप्टर है, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट, क्लासिफिकेशन, एनालोगी, सीरीज, फाइंडिंग आउट मिसिंग वन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब जगह पे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो एक शपथ ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए बिना पोजिशन लिखे नहीं बनाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पोजिशन लिखते समझ में आ जाता है आपको कि 15 और 6 को जोड़ने से 21 होता है,
9 और 14 को जोड़ने से 23 होता है, तो 11 और 3 को जोड़ने से 14 होगा, और 14 का मतलब n हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा n, ऑप्शन नंबर विकल्प संख्या 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या किया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया गया है, ये बहुत रेगुलर पैटर्न है। इसमें किया गया है 1 × 2 × 9 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ये हो जाएगा 18/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। फिर यहां पे भी वही करो 3 × 8 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 × 3 = 24 × 2 = 48/2, आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, इसको भी रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी एक सवाल ऐसा हमने देखा था, फिर दोबारा भी आ गया कि रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर करने का मतलब कि कौन सबसे बाद में आएगा, फिर कौन उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, शब्द कोश के अनुसार अरेंज करना है। चलो देख लेते हैं आर आई क्या क्या कॉमन है सब में। तो आर आई सी ये सब में कॉमन है, आर आई सी सब में कॉमन है, उसके बाद वाले लेटर से डिसाइड करो सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है आपका ओ, मतलब ये सबसे पहले मिलेगा, फिर ओ के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, एच है, के है और आई है, तो के मिलेगा, ये 2 नंबर हो गया। फिर आई मिलेगा, ये 3 नंबर हो गया। फिर एच मिलेगा, ये 4 नंबर हो गया, मतलब 1 2 4, 1 2 3 4 कैसे कैसे है, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 13 फिर से एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक व्यक्ति बिंदु P से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति बिंदु P से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 4 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 मीटर चलता है। यहां से वह बाईं ओर मुड़ गया और कितना मीटर चला, 6 मीटर चला। थोड़ा सा रुकेंगे यहीं पे। अगर आपको बाया और दाया में दिक्कत हो कि आप भाई ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, तो बाया दाया कैसे लिया जाए, जब कभी भी बाया दाया में दिक्कत हो तो एक लाइन याद रखना मेरा, सिंपल सा बात है, अगर कोई आदमी क्लॉकवाइज टर्न लेगा हमेशा तो वह दाई दिशा की ओर, मतलब राइट टर्न लेगा, और अगर कोई आदमी एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा, अगर कोई आदमी एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो वह बाई दिशा में टर्न लेता है, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है। क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। क्लियर है। अब यहां पे देखिए क्या है, एक आदमी वेस्ट में जा रहा था, बाई और मीरा मुड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मतलब लेफ्ट होता है, और जब कभी भी लेफ्ट और राइट टर्न लेते हैं और अगर डिग्री नहीं दिया रहे तो हमेशा 90 डिग्री पर टर्न लेते हैं। जब आपने डायरेक्शन का क्लास किया होगा बेसिक्स में ये बात बताया गया होगा। तो चलो हम सवाल पे आते हैं। एक आदमी 4 मीटर साउथ वेस्ट में जाता है, फिर 6 मीटर लेफ्ट टर्न लेकर जाता है, और 4 मीटर चलने के बाद बाई और मुड़ जाता है, 6 मीटर चलता है, वह फिर बाई और मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, यहां से फिर वो साउथ के 2 मीटर मुड़ेगा और 7 मीटर चलेगा, तो 4 से 7 बड़ा होगा। फिर क्या करता है, वहां से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर कुछ यहां आ जाएगा, वो 8 किलोमीटर चलता है, चलिए यहां पे आ गया वो इस जगह पे, 8 मीटर चला वो, 8 मीटर, फिर वो क्या करता है, फिर वहां से वो 8 मीटर चलता है, वो फिर दाई और मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर यहां से वो राइट टर्न लिया और 4 मीटर चला, और फिर से वो दाई और मुड़ता है और 2 मीटर चल के क्यू पे रुक जाता है। तो 2 मीटर का मतलब देखो, यहां से ऐसे डॉट 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 लाइन डालेंगे, ये 6 था तो ये भी 6 होगा,
और ये कितना होगा, दो होगा, क्योंकि टोटल आठ है। तो 2 मीटर राइट टर्न लेकर आया है तो एकदम इसी लाइन पे होगा पॉइंट क्यू। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु पी के संबंध में क्यू का क्या दिशा होगा, तो बिंदु पी से क्यू जो होगा वो कौन से दिशा में होगा, तो पूरब दिशा में होगा, ईस्ट में होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से फाइंडिंग आउट मिसिंग वन का ही सवाल आपके सामने आ गया है। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है आपको, तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये अच्छा सवाल है आपको। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो ठीक है, पैटर्न ध्यान से देखिएगा इसको। इस पैटर्न में क्या किया गया देखिए, 521 में माइनस करो 194 को। जब 521 से 194 को तुम माइनस करोगे तो ये तुम क्या देखोगे, ये तुमको कितना आ जाएगा, ये तुमको आ जाएगा 11 से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा आपको। फिर आप देख लो यहां से, फिर 11 से 9 अगर आप माइनस करोगे आपको तो कितना आ जाएगा आपको, सॉरी 11 से 4 माइनस करना है ना, 7 हो जाएगा। फिर ये तुम कर दो कितना, इसको 11 से 9 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, और ये 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 327। जब 51 और 194 का डिफरेंस निकालेंगे तो 327, और इन सब को आपस में डिजिट सम कर दिया गया, 3 और 2 5 और 7 12। देखिए रिजल्ट 12 है कि नहीं है आपका। फिर वही काम करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिजिट आएगा जैसे है 413 माइनस 238। अब 413 से 238 को घटाना है तो ये 13 से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए 11 से 1 ले लेंगे तो 10 से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा देखिए। और फिर इन सबको आपस में जोड़ दीजिए तो 7 और 5 12 और 1 13, देखिए यहाँ 13 लिखा हुआ है। फिर यहां पे भी वही काम करेंगे, 478 माइनस 198, 8 से 8 जाएगा 0। फिर देखो 17 से 9 जाएगा तो 8, 3 से 1 जाएगा तो 2, 280 आ गया। फिर 2 + 8 + 0 = 10, और 10 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखिए कौन सा है, अगला सवाल है सवाल संख्या 15। सवाल संख्या 15 जो है वो सीरीज का सवाल है आपको, कि भाई इस सीरीज को कंप्लीट करना है आपको। देखिए तो इसको क्या किया गया है, एक श्रृंखला में दी गई जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में सही लुप्त पदों का आपको चयन करने के लिए बोला जा रहा है कि सही लुप्त पदों का आप इसमें चयन करें। चलिए अब देखिए क्या है इसमें, भाई इसमें क्या किया गया है, तो 11 है, 20 है, 38 और 65 है। इसमें क्या करना है सो देखिए आपको, यहां पे क्या किया गया है, ये थोड़ा सा अनइवन पैटर्न है आपको, यहां पे क्या किया गया है आपको, तो 11 + 1 × 9 = 20 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 20। फिर दूसरा में देखिए क्या किया गया है आपको, फिर क्या किया गया है आपको, तो नेक्स्ट किया गया 20 + 2 × 9 18 और 20 38, फिर 38 + 3 × 9 = 65, फिर 65 + यहां पे कितना कर देना है 4 × 9, तो 36 और 65 को जोड़ना है, 36 और 65 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपको 36 × 6 = 11, 101।
हो गया 101, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, थोड़ा सा ये सब पैटर्न हो सकता है कभी कभी हम लोग को समझ में न आए, कुछ ऐसे ऐसे भी पैटर्न सीरीज के आते हैं जो कभी कभी हम लोग भी, हम लोग को भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी कोई पैटर्न समझने में। तो चलिए एक आध सवाल तो ऐसा मिल सकता है हम लोगों सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इम्बेडेड डायग्राम, इसको आप नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं, इसको इम्बेडेड डायग्राम बोलते हैं, छुपा हुआ डायग्राम बोलते हैं। जैसे यहां पर एक आकृति दी गई है, एक चित्र यहां पर दिया गया है और बोल रहा है कि इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें यह दी गई आकृति छुपी हुई है, तो वह आकृति हम लोग को ढूंढ रहा है जिसमें यह छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए तो कौन सा आकृति में यह छुपा हुआ है। हाँ, हमको तो आंसर दिख रहा है, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए, ये बी नंबर देखिए, यहां से ऐसे आया लाइन, फिर यहां, फिर यहां, ऐसा ही ये भी है, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आया, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति छुपी हुई है। आपको देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन, कि एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई ने कहा कि वह मेरी मौसी की इकलौती बहन की इकलौती बेटी है, यदि वाई पुरुष है तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है। देखिए चूंकि यहां पे मामी लिख दिया गया है, बट यहां पे मामी लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैटर्नल आंट में पहला प्रायोरिटी हमेशा मौसी को दिया जाता है, जैसा हमने प्रश्न को देखा है। तो सवाल ये बोला है कि वाई क्या कहता है कि वह मेरी मौसी के इकलौते बहन की इकलौती बेटी है, तो यहां पे देखिए वाई की मौसी कोई भी होगी, वाई की मौसी, आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तब, मैटर्नल आंट, मैटर्नल आंट की इकलौती बहन, तो मासी की इकलौती बहन जो होती है वो कंफर्म है कि वो आपकी मां होगी, वो आपकी कौन होगी, मां होगी, उनकी वो इकलौती बेटी है, तो आपकी मां की जो वनली डॉटर है, आपकी मां की जो वनली डॉटर है वो कौन है, तो एक्स है, वो कौन है आपको, तो एक्स है। और बोला कि यदि वाई पुरुष है तो भाई आपकी मां की इकलौती बेटी आपकी क्या लगेगी, आपकी बहन लगेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऐसे प्रश्नों को एक तो है कि आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बट एक सवाल होता है एक नंबर का, एसएससी में दो नंबर का, तो यहां पे क्या है कि आप अपने आप पे सोचिए, हम अपने आप को वाई के जगह रख देंगे, इस वाई के जगह हम सेल्फ को डालेंगे और तब सोचेंगे कि मेरी मौसी की इकलौती बहन, तो मेरी मौसी की इकलौती बहन मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, हम लड़का है तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी मेरी कौन हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 17 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या दिया गया है, यह भी आपका सीरीज का सवाल है कि दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला कौन सी है, उसका आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आपको देखिए तो क्या किया गया है, तो यहां पे क्या किया गया है, ये अच्छा सीरीज का पैटर्न है, यहां पे किया गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, फिर किया गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 12, फिर किया गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 20, फिर किया गया 5 का स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहां पे विलुप्त संख्या आपको खोजने के लिए बोला जा रहा है, आपको
हो गया। नेक्स्ट, वन फोर का स्क्वायर प्लस फोर, कौन सा सीरीज है ये? अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये ऑड वाला सीरीज है आपका, वन के बाद थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नाइन और थ्री ट्वेल्व, फिर थ्री के बाद फाइव को लेना है, फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू थर्टी, फाइव के बाद फिर सेवन को लेना है, सेवन का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपको सेवन, तो उनचास और सात कितना हो जाएगा, नौ और सात सोलह, फिफ्टी सिक्स, और फिर आ जाएगा एट का स्क्वायर सॉरी सेवन और टू नाइन, फिर आ जाएगा नाइन का स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल्स टू हो जाएगा 81 और नाइन 90 हो जाएगा। देख लो कौन सा गलत है, टू है, 12 है, 30 है, यहां पे गलत है, यहां पे 56 होना चाहिए था, दिया हुआ 54 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। इसमें दो तरह का पैटर्न आता है, हमने पहले वाला जो ले लिया था आपको उसमें क्या था, यहाँ पे दो तरह का पैटर्न ये आता है, एक चलता वन का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर प्लस टू, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री, फोर का स्क्वायर प्लस फोर, एक ऑड वाला या एक इवन वाला, जैसे वन के बाद थ्री ले लिया, थ्री के बाद फाइव ले लिया, फाइव के बाद सेवन ले लिया, सेवन के बाद नाइन ले लिया, या दो के बाद चार लेता, छह लेता, आठ लेता, ऐसे लेता। तो ये दो तरह का सीरीज है, इसको दिमाग में रखिएगा, बार बार पूछेगा परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 देखिए तो क्या है कि अगर वर्ल्ड का कोड दिया गया है, लिखा गया है आपको जी आई सी एम ए, तो एम आई सी ए का कोड क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्या है आपको। चलिए इस क्वेश्चन में एक चीज सही कर लेना है, इस क्वेश्चन में एक चीज सही कर लेना है, यहां पे जो क्वेश्चन है एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, एक छोटा सा एरर है यहां पे एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपका, वर्ल्ड को क्या लिखा गया है, जी आई, यहां तक तो ठीक है, इस सी एम ए नहीं होगा, यह होगा एम सी ए, ये एक्चुअली क्वेश्चन था, प्रिंटिंग एरर हो गया था आपके टेस्ट पेपर में, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कभी कभी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एम आई सी ए यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं, एम किसके लिए लिया गया, आर के लिए, तो यहां पे क्या होगा, तो आर होगा, आई किसके लिए लिया गया, ओ के लिए, ओ लिख दीजिए, सी किसके लिए लिया गया, एल के लिए, एल लिख दीजिए, ए किसके लिए लिया गया, डी के लिए, तो डी लिख दीजिए, आर ओ एल डी, आर ओ एल डी है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। प्रश्न संख्या 19 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है कि पेपर कटिंग का क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 20 ये बोलता है कि नीचे दिए गए पेपर का एक टुकड़ा मोड़ा गया और जोड़ दिया गया है, तो दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों में इंगित करें कि खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। यहां पे देखिए क्या है आपको, ये पेपर कैसे मोड़ा गया है, तो पहले ऊपर से नीचे की तरफ, यहां देखिए ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, पहले ऐसे मोड़ा गया, मतलब एक पेपर अगर मेरे पास हो, अगर एक पेपर मेरे पास है, अगर मान लीजिए कोई भी एक पेपर है मेरे पास, मान लीजिए एक पेपर है मेरे पास, तो इस पेपर को सबसे पहले क्या किया गया, तो इसको मोड़ दिया गया, ऐसे कर दिया गया, फिर मोड़ने के बाद इसको फिर से इसको ऐसे मोड़ दिया गया, और इतना मोड़ने के बाद क्या करता है इसको कि इसमें कुछ कट लगाया गया है, देखिए इस प्रकार से यहां पे कट लगाया गया, ऐसे कट लगाया गया, और बोला क्या गया कि फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको खोला जाता है, तो खोलने जैसे मोड़ा जाएगा वैसे ही खोला जाएगा, मतलब ये जो आपको देख रहे हैं ये जब खुलेगा तो पहले ऐसे खुलेगा, इधर राइट की तरफ, पहले राइट की तरफ खुलेगा, तो जब ये राइट की तरफ खुलेगा आपको, तो राइट की तरफ खुलने के बाद क्या होगा, जैसा डायग्राम यहां देख रहे हो सेम वैसा ही डायग्राम इधर भी क्रिएट हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये जो डायग्राम होगा, वन मिनट, यहां पे एक ऐसे लाइन है, ये लाइन एक और बीच से भी निकलेगा यहां पे, ठीक है, और क्या होगा, ऊपर तो में जो बना हुआ है वो भी तो यहां पे बन जाएगा, मींस व्हाट, ये जो यहां पे आप ऐसा देख रहे हैं एक ऐसा ऐसा इमेज, एक बीच से एक लाइन वाला एक इस प्रकार का फॉर्म करेगा, और जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो जैसे नीचे बना हुआ है सेम वैसा ही सिर्फ ऊपर भी बन जाएगा, और जो उस प्रकार का एक ही डायग्राम यहां पे दिख रहा है, ये डायग्राम नंबर टू, देखो जैसा नीचे बना हुआ है वैसा ही इसमें ऊपर भी बना हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि शब्द कोश के बढ़ते क्रम के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा यह हमको बताना है। मतलब यहां पे अब आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, शब्द कोश के अनुसार अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए F U सब में कॉमन है, उसके बाद है L है, C है, L है और C है, L वाला को छोड़ दीजिए, C वाला को पहले लीजिए। तो यहां तो F U C A तो सबसे पहले ये मिलेगा, फिर H यहां मिलेगा, F U L G U U R जहां तक कॉमन है पहले लेके जाइए, यहां O है, यहां A है, तो पहले A मिलता है फिर O मिलता है, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम का अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा, तो तीसरा शब्द हमारा होगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लाइन PQ पर एक दर्पण रखा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा दिए गए आंकड़ों को सही छवि प्रदान करेगा। मतलब PQ पर एक अगर रखा, मतलब क्या, यहाँ पे एक डायग्राम है, सामने में एक आईना लगा दिया गया है, मिरर लगा दिया गया है, तो मिरर इमेज इसका क्या होगा। तो मिरर इमेज क्या होता है कि लेफ्ट वाला पूरा राइट, मतलब जो मिरर इमेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, क्षैतिज बदलाव होती है, बाया दाया दाया बाया हो जाएगा। तो यहां पर भी वही काम हुआ होगा आपको कि बाया वाला दाया हो गया होगा, दाया वाला बाया हो गया होगा। तो इसमें से देखिए तो कौन सा डायग्राम सही होगा आपका, तो ये लाइन तो सब में सही दिया गया है, ये लाइन यहां भी है, ये लाइन यहां भी है, ये लाइन देखिए, ये नीचे वाला लाइन यहां पे टच कर रहा था क्या, यहां पे टच नहीं कर रहा था, तो ये तो आपका खत्म हो गया, इसको पहले हटा दीजिए। अब बात यहां भी सही है, अब बात आ जाता है ऊपर के लाइन का, तो ये पूरा का पूरा इसको टच करेगा, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी कर रहा है, ये भी फिर देखो यहां से लेकर आ रहा है, ये तो ऐसे कर चुका, यहां भी ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसका नीचे में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये खत्म हो गया, यहाँ छोटा छोटा लाइन इसको काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम काउंट कर रहे हैं, तो वहां पे छोटा छोटा लाइन है आपको जिसको काउंट किया जा रहा है, ये खत्म हो गया आपका। फिर देखिए बी और सी में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देखिए 2 हो गया, ये नहीं होगा, अच्छा यहां पे देखो, यहां पर देखो ये वाला यहां पे गलती कर दिया गया है यहां पे, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ये भी कट गया तो बच कौन सा गया, डी, कौन सा बच गया, डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिरर इमेज है, इस सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। हो गया, नेक्स्ट क्लियर है, आगे देखिए, क्योंकि एक यही चित्र है जो सही सही बतला रहा है, यहां पे भी एक लाइन यहां पे रहता तो ये भी डायग्राम हो सकता था आपका, बट वो है नहीं, दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 लगाइए, क्योंकि ये मिरर इमेज और वाटर इमेज ये सब डायग्राम आपके कॉन्सेंट्रेशन को चेक करता है कि आप कितना एकाग्रता के साथ सवाल को बनाते हैं, तो इसलिए इस सब चीजों पर कोई ट्रिक्स का दिमाग में नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस का दिमाग में रखेंगे, ये सब पूरा मेंटल वर्क है। 22 के बाद 23 है आपका, क्या है 23 कि दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को आपको क्या करना है, तलाशना है कि ऑड कौन सा है। तो जल्दी जल्दी पोजीशन लिखो, पहले 2 और 12, 7 और 10, 13 और 1, 6 और 8, जब तक पोजीशन नहीं लिखना है तब तक अल्फाबेट का सवाल ही नहीं बनाना है, तो कोई भी चैप्टर से आए। अब यहां देखो 12 और 2 14, ठीक है, 13 और 1 14, ठीक है, 8 और 6 14, ठीक है, 10 और 7 17 हो गया, बाकी सब में दिए गए अक्षरों के पोजीशन को जब जोड़ा जाता है तो 14 आ रहा है, लेकिन तीन नंबर में जब जोड़ रहे हैं तो 17 आ जा रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर गिवन इन द फिगर, कितना ट्रायंगल्स है ये हम लोग को बताना है आपको। तो चलिए ट्रायंगल्स को काउंट कर, देखो ट्रायंगल काउंट करने का ऐसे ट्रिक्स भी होता है, जब आप क्लास करेंगे तो ट्रिक्स आप पढ़े होंगे, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, कि जैसे मान लीजिए यह एक ट्रायंगल दिया गया है यहां पे,
और एक ट्रायंगल मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और बीच से एक लाइन खींच दिया गया और आपसे पूछा गया कितना ट्रायंगल होगा, तो आप बताइएगा सर एक हो गया, दो हो गया और ये पूरा एक ले लेंगे तो कितना हो गया, तो एक प्लस मतलब तीन हो गया टोटल ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल कितना, एक ये वाला एक हो गया, इसको देखो एक ये वाला हो गया दो और एक ये पूरा हो गया, तो कितना हो गया तीन हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कुछ ऐसा होता, अगर यही चित्र कुछ इस प्रकार से होता और तब हमसे पूछा जाता कि बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो हमको ज्यादा समय लगता ना, फिर चेक करना पड़ता कि भाई एक फिर दो फिर ये तीन फिर ये चार, मतलब बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारी परेशानियां हमको हो जाती है इसको काउंट करने में। तो सब छोटा छोटा ट्रिक्स आता है, अभी तो पूरा ट्रिक्स हम आपको नहीं बता पाएंगे लेकिन छोटा सा बता रहे हैं। जैसे एक प्लस ये एक दो है ना आपका, तो सिंपल कर दीजिए वन प्लस टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थ्री। यहां पे जितना भी पार्ट में कटा हुआ है एक दो तीन चार, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कितना सेवन, और टू नाइन और वन इक्वल्स टू कितना हो गया टेन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितना हो गया आपको, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हो गया दस हो गया। अब लेकिन ये चित्र क्या है, तो ये थोड़ा सा ये तो छोटा सा चीज हमने आपको ऐसी बताया है कि आप इस चीज का दिमाग में रखें, लेकिन अब इसको भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बताना है और इसको बताने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा सही रहेगा। कोशिश करें कि थोड़ा सा दिमाग से बनाए, कैसे बनाए तो कहीं से शुरू करो पहले। जैसे मान लो हम यहां से शुरू करते हैं वन बाई वन, ऐसे ले लेते हैं एक ट्रायंगल, दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ के बाद नौ दस ग्यारह बारह। सबसे पहले तो बारह ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, ट्वेल्व एक जगह लिख दीजिए, जो जो सामने सामने दिख रहा है देखो। सबसे पहले ट्वेल्व तो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है कि बारह ट्रायंगल्स है, हमने बारह लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक ट्रायंगल ये भी तो है, ये वाला जो अभी हम लोगों ने देखा था यहां पे, यही डायग्राम यहां भी बना हुआ है ना, लेकिन ये भी ट्रायंगल तो है, मतलब वन प्लस टू हम ऐसा लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे कहीं लिख लीजिए कहीं पर भी वन प्लस टू कॉमा, फिर वन प्लस टू हो गया, वन प्लस टू के बाद देखो ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये वाला ये भी एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा, मतलब टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री, फिर देखो थ्री प्लस फोर ये भी एक ट्रायंगल है, ये वाला जो देखो ये भी एक ट्रायंगल है, तो थ्री प्लस फोर, फिर देखो यहां पे क्या है फोर प्लस फाइव, ये चार और पांच को मिला दोगे तो ये भी एक ट्रायंगल है, तो फोर प्लस फाइव एंड सो ऑन। फिर आगे भी मिलेगा फाइव प्लस सिक्स, फिर क्या मिलेगा टू प्लस थ्री थ्री प्लस फोर फोर फाइव प्लस सिक्स, फिर मिलेगा सिक्स प्लस सेवन, फिर मिलेगा सेवन प्लस एट, फिर मिलेगा एट प्लस नाइन, फिर मिलेगा नाइन प्लस टेन, फिर मिलेगा टेन प्लस इलेवन और फिर मिलेगा ट्वेल्व प्लस वन, ये वाला जो होगा ये वाला, तो एक और हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन। इसकी संख्या कितनी हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, तो चलिए 12 तो था ही प्लस एक और कर दो, कितना हो गया 11 को और हमने यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया कि 11 और होंगे आपका। देखते हैं फिर नेक्स्ट, फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब कौन कौन सा होगा सो देखना होगा आपको। अब हमारे पास जो जो ट्रायंगल है आपको, अब बड़ा बड़ा पोर्शन को लेना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे वन प्लस टू टू प्लस थ्री ये सब हो गया, टेन प्लस सेवन प्लस एट एट प्लस नाइन नाइन प्लस टेन टेन प्लस इलेवन। हाँ एक और यहां पे देखिए टेन प्लस इलेवन के बाद एक और कौन छोड़ दिया हम लोगों ने, इलेवन प्लस ट्वेल्व, इलेवन प्लस ट्वेल्व को हमने छोड़ दिया, ये वाला हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये वाला जो है ये वाला हम लोग से छूट गया था। चलिए तो ये हो जाएगा इलेवन नहीं होकर के ये ट्वेल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा पोर्शन को देखो, अब जैसे
अब जैसे देखिए क्या है, अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं तो समझने के लिए आपको, 1 2 3 आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हम लोगों को। 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम लोग किसको लेंगे, अब यहां पे देखो थोड़ा सा, ये बड़ा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देखिए मतलब क्या है, मतलब क्या है, थोड़ा यहां पे देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 नंबर्स में ये तरीका जो बता रहे हैं बहुत काम करेगा आपको, इसलिए तरीका ध्यान से रखिएगा, 1 2 3 4 लिखे काउंट करने वाला, ऐसे तो पागल हो जाओगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब एक ट्रायंगल यहां से बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां से बन रहा है, फिर अगला ट्रायंगल कहां से बनेगा, तो इस बेस से देखो, यहां से देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5, फिर कहां से बनेगा, फिर यहां से देखिए इस जगह से, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7, फिर कहां से बनेगा, फिर इस बेस से देखो 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, फिर कहां से बनेगा, फिर इस बेस से देखो यहां पे ये वाला बेस देखो, मतलब 9 प्लस 10 प्लस 11, फिर कहां से बनेगा, फिर ये वाला बेस से देखो, ये वाले बेस से, मतलब क्या हो जाएगा, 11 प्लस 12 प्लस 1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 और ऐड कर दीजिए इसमें, कितना हो गया अभी तक, 12 और 12 24 और 6 30, और फिर मिटाइए इसको, फिर समझते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब देखना है कि कौन सा बच रहा है, तो अब हमारे पास चूंकि ऑप्शन में 30 तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हमारा छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, अब यहां पे ध्यान से देखिए कौन सा छूट रहा है, हाँ, हमको दिख गया ए बी सी, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट्स देखो, ए बी सी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ए बी सी मतलब क्या है, कहीं पे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, एक ये हो गया, एक और बड़ा वाला दिख रहा है, रुको, पी क्यू आर, ये देखिए पी से क्यू, पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, मतलब दो और इसमें जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो गया 32, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इस डायग्राम में 32, कैसे कैसे हैं ये हमने आपको दिखला दिया है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, और सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 वो यहां पे है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, तो 32 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 32 हो गए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काउंटिंग का ये बहुत अच्छा तरीका, और ये सब का बहुत सारा तरीका और भी बताएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में जो जो सवाल मिलता जाएगा उस पर चर्चा करेंगे, और अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको इस समय दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी गलती नहीं होगा, ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, जैसे स्क्वायर में भी आता है तो वहां पे भी आता है, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक, सबका ट्रिक्स है, सबका तरीका है बनाने का, अगर आप क्लास किया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं किए हैं तो फिर आप आकर के मिलिए, क्लास कीजिए, चीजें आपको बहुत आसान कर दी जाएगी। एंड द लास्ट वन मैट्रिक्स, एंड द लास्ट वन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है आपको पता ही है, मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या है, तो हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ, कहानी है बहुत सारा उसका, एक वर्ड दिया गया हिटमैन, हिटमैन का कौन सा रिप्रेजेंटेशन ये चारों में सही है वो आपको बताना है, जब भी मैट्रिक्स को बनाने जाए तो हमेशा एग्जाम्पल को जरूर देखें, जैसे Q के लिए 6 6 और 1 2 है, ये 6 और 6 में एक रोज को बताएगा, एक कॉलम को बताएगा, दो डिजिट का जितना, हर ऑप्शन में दो दो डिजिट का नंबर होगा, मतलब एक नंबर रोज के लिए एक नंबर कॉलम के लिए है, अब पहला वाला रो के लिए यूज हो रहा है या कॉलम के लिए, ये इस ऑप्शन को देख करके, एग्जाम्पल को देख करके समझना होगा, जैसे क्यू को 6 और 6 हम ऐसा मानते हैं कि पहला डिजिट कॉलम के लिए है, तो 6 और 6 6 और 6 अभी तक तो हमारा सही है कि चलो, लेकिन 1 और 2 देखिए
वन अगर हमने पहला डिजिट को कॉलम मान लिया है तो यहां छह और छह में तो ठीक है दोनों सेम डिजिट था तो रोज और कॉलम से दिक्कत नहीं हो, आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। लेकिन वन और टू में साफ साफ दिख रहा है कि अगर वन को हम कॉलम में ले रहे हैं और टू को रोज में ले रहे हैं तो क्यू नहीं मिल रहा है, एन मिल रहा है, मतलब तय है कि पहला वाला कॉलम नहीं है, पहला वाला रोज है। अब इसी को देखिए, वन को ले लेते रोज में और टू को ले लेते कॉलम में, देखिए क्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाए तो बहुत लोग होता है कहते हैं इस बात को मतलब एज अ गारंटीड ले लेता है कि पहला वाला हमेशा रोज में के लिए ही यूज करेगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी परीक्षा में पहला वाला कॉलम के लिए भी यूज किया गया है, यहां से जरूर चेक कर लेना एक बार। चलो हमको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हिटमैन को बता रहा है, तो चलिए सबसे पहले देखते सिक्स और फाइव, सबसे पहले देखते सिक्स और फाइव, सिक्स और फाइव क्या है, सिक्स और फाइव डब्ल्यू है, पहला तो ऐसे ही खत्म हो गया, सिक्स और फाइव क्या है डब्ल्यू, पहला खत्म, टू और जीरो, टू और जीरो एच है, चलो सही है, जीरो और टू, जीरो और टू आई है, चलो सही है, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो चलो टी है, सही है, टू और टू, टू और टू, टू और टू अच्छा जेड हो गया, होना एम चाहिए था, हो गया जेड, ये भी खत्म हो गया। फिर देखिए टू और जीरो, टू और जीरो, टू और जीरो कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, जीरो और टू को अभी देखा है आई हो जाएगा, सेवन और सिक्स, सेवन और सिक्स टी हो जाएगा, टू और वन, टू और वन एम हो जाएगा, सही है, सिक्स और फोर, सिक्स और फोर ए हो जाएगा, अभी तक ये सही जा रहा है, वन और वन, वन और वन एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीन जो है वह हिटमैन का इस मैट्रिक्स के अनुसार सही रिप्रेजेंटेशन है, और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन, ये आज का सेट 11 का पूरा डिस्कशन था। अगर कहीं पे दिक्कत है आपको, अगर कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पे भी जवाब दिया जाएगा, आप ब्रांच को कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, वहां भी जवाब दिया जाएगा। तो मैं शुभम तिवारी आज सेट नंबर 11 SSC CHSL का डिस्कशन ले रहा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नंबर